बस कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे। जन्माष्टमी जो है ना, सबसे पहले तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही यम्मी यम्मी, बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो कि बाल भोग के लिए बनाई जाती है। हमारे लड्डू गोपाल को बहुत सारी चीजें पसंद है, तो बहुत सारी चीजें बनाने वाली हूँ आज मैं। आज मैं बनाऊंगी स्पेशल जन्माष्टमी की थाली जो हमारे यूपी में बनती है। तो हम फटाफट चलते हैं हिमा की रसोई में और बनाते हैं स्पेशल जन्माष्टमी की थाली। सबसे पहले हम बनाएंगे बाल भोग के लिए धनिया की पंजीरी। ये धनिया की पंजीरी बहुत ही यम्मी लगती है और ये आज खास आज के लिए जरूर बनती है। तो मैंने ये फ्रेश धनिया लेके इसको घर में ही पीस लिया, क्योंकि घर में पीसना ये शुद्ध होता है। इसलिए इसमें हम डालेंगे 3 चम्मच शक्कर। इसको बनाने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। और ये हमने 1 कटोरी धनिया ली है, इसको हम डाल देते हैं इसमें और इसको अच्छे से भून लेते हैं। ये देखिए हमारी बिल्कुल अच्छे से धनिया पीस भून गई है और अच्छी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है ना। इसमें हम सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होगा तब हम इसमें शक्कर मिला देंगे। ये देखिए हमारी पंजीरी अच्छे से भुन गई है। अब इसमें मैं टेस्ट के अकॉर्डिंगली 2 चम्मच शक्कर डाल दूंगी पीस के। इसमें आप भूरा शक्कर भी डाल सकते हैं या कोई भी शक्कर, इसके ऊपर लड्डू भी बनाए जाते हैं, बट मैं आज इसका पंजीरी का ही भोग लगाने वाली हूँ, क्योंकि पंजीरी बाल गोपाल को बहुत ज्यादा पसंद थी इसीलिए। तो ये हमारी पंजीरी भी रेडी हो गई है। अब हम बनाएंगे मथुरा वाले पेड़े। मथुरा के पेड़े की एक कहानी भी, वो भी मैं बीच बीच में सुनाती जाऊंगी आपको। ये रेडी हो चुकी है मेरी, इसको मैं रख देती हूँ। ये देखिए हमारा पंजीरी तो बन चुकी है। अब हम बनाएंगे सबसे फेमस, सबसे टेस्टी, जो बाल गोपाल को बहुत पसंद है, मथुरा के पेड़े। मेरी नानी मुझे कहानी सुनाती थी, ये मथुरा के पेड़े की एक बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग सी कहानी है। कि एक बार क्या होता है, हलवाई होता है, उसको वो पेड़े बना रहा होता है और पेड़े बनाते बनाते उसको नींद लग जाती है। तो अब नींद लगती जैसे ही वो देखता है तो वो उसका जो ये मावा था वो एकदम डार्क ब्राउन हो जाता है। अब जब राजा जी आए, राजा जी ने कहा हमारे पेड़े बन गए। उसने कहा बन गए, जैसे उसने पेड़े दिखाए, अरे ये तो बहुत ज्यादा ब्राउन है, ये बहुत ज्यादा, ये इतना कलर कैसे आ गया इसका डार्क, अब मैं आपको सुबह बताऊंगा, अभी तो मुझे भोग लगाना है, ऐसे राजा से बोल के चल दिया। अब हलवाई बेचारा रात भर एकदम उसको नींद नहीं आई कि पता नहीं आज क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, सुबह क्या होने वाला है। अब यहाँ राजा जी क्या, जब राजा जी ने भोग लगाया, क्या हुआ, हलवाई जो था वो बिल्कुल बहुत ही भोला सा हलवाई था, तो वो बीच बीच में नाम लेने लगा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। पूरी रात वो यही जपता रहा और उसको नींद नहीं आई। इधर पर राजा जी ने भोग लगाया, जब भोग लगाया तो देखा कि उसमें से कुछ पेड़े गायब थे और श्री कृष्ण आए और सपने में उनसे बोला कि आज के पेड़े तो बहुत ही बढ़िया है, आज का भगवान का प्रसाद आपने बहुत अच्छा लगाया है, आपको बहुत अच्छा लगा, कहाँ से बनवाए हैं। अब तो राजा जी का प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। सवेरे सवेरे वो हलवाई के पास गए और हलवाई को बताया कि आज तुम्हारे कारण हमारे श्री कृष्ण भगवान बहुत खुश हुए हैं, तो आज से मथुरा में यही वाले पेड़े बनेंगे। इसीलिए मथुरा में हमेशा ब्राउन वाले पेड़े बनाए जाते हैं, जो कि मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ये देखिए मिल्क पाउडर को हम ऐसे भूनेंगे, जैसे धीरे धीरे इसका कलर भी देखो चेंज हो रहा है ना, बस ऐसे ही हम इसको डार्क ब्राउन सा भून लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा डार्क ब्राउन हो गया, दिख रहा है आपको, क्योंकि मिल्क पाउडर बहुत ज्यादा लगता है ना, इसलिए हम नॉनस्टिक कढ़ाई में बनाते हैं इसको। ये देखिए ये हो गया है ना। वैसे तो अपन फ्रेश मावे के भी बना सकते हैं, बट हमारे पास सुविधा है तो हम ऐसे ऐसे भी बना सकते हैं। और देखिए कितना बढ़िया डार्क सा कलर आ गया है इसको। अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसको थोड़ा सा ठंडा होने तक चलाएंगे। इसी में मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी और इसको ठंडा होने के बाद थोड़ी सी शुगर मिलाएंगे हम इसको में। ये देखिए 2 चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें शुगर, और ये थोड़ा सा कुनकुना रहे ना, अभी हमको पेड़े बनाने पड़ेंगे, नहीं तो ये पेड़े इसके बन नहीं पाएंगे। वैसे मावा होता तो बन जाते हैं, क्योंकि ये मिल्क पाउडर है ना, इसलिए हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा 1 चम्मच दूध डालेंगे, ज्यादा नहीं। इसको क्या गरम गरम में डालने से एक तो क्या होगा कि इसमें बिल्कुल दानेदार, जैसे मथुरा में पेड़े बनते हैं ना बिल्कुल दानेदार, बिल्कुल वैसे ही पेड़े बनने वाले हैं। देखिए कि देखिए हमारा कितना अच्छा हो गया, हल्का सा गर्म रहेगा ना तभी हम बनाएंगे ना, तो ज्यादा अच्छा है। थोड़ा सा मैंने घी के हाथ कर लिया। कि देखिए ये देखिए एकदम आया ना मथुरा वाला कलर एकदम। ये देखिए या तो आप लड्डू बना लें या तो आप पेड़े में है ना इसके पेड़े बनाने वाले हैं। देखिए एकदम चिकने चिकने पेड़े ऐसे हमारे बन जाएंगे। देखिए बन रहे हैं ना चिकने चिकने पेड़े एकदम। देखिए और इसको हम करेंगे सूखे नारियल से कोट। ये देखिए बन गए ना। इसी तरह से हम अपने सारे पेड़े बनाकर रख लेते हैं। अब हम बनाएंगे पंचामृत। अब हमारे 2 भोग बन गए ना। अब हम भी देखिए दही लिया हमने, ये देखिए दही लिया हमने इसमें,
इसी में हम थोड़ा सा दूध डाल देंगे। पंचामृत में थोड़ा सा दूध डाला जाता है और इसी में मैं डाल दूंगी 2 चम्मच शक्कर और मैं डालूंगी पूरी पंचमेवा, काजू, किशमिश, छुहारे, नारियल, ये सारे इसमें डलते हैं, अच्छे से डलते हैं। और ये हमारा हो गया पंचामृत भी तैयार है ना। देखिए इसको भी मैं रख देती हूँ हटा के। पंचामृत बनाना तो बहुत आसान है। इसमें मैं थोड़ी सी डालूंगी शहद और एक ड्रॉप डालूंगी मैं इसमें घी। तो ये हो गया हमारा पंचामृत, बस ज़्यादा नहीं डलता इसमें, बस दूध, दही, घी, मेवा और शहद, ये हमारा हो गया पंचामृत। तो ये भी हम तैयार हो गया, इसको भी हम रख देते हैं चुकी हैं। अब मैं बनाऊंगी मूंगफली का पाक। इसको मैंने रोस्ट करके छिलके निकाल के इसको अच्छे से रख लिया है। ये आज मैं बनाने वाली हूँ गुड़ में। ये बहुत अच्छा लगता है, हमारे यहाँ यूपी में गुड़ का ही बनता है, तो गुड़ का ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। इसमें मैं डालूंगी चाशनी बनाने के लिए, थोड़ी डिफरेंट तरह की चाशनी बनाने वाली मैं आपको बताती हूँ, जिससे कि हमारा जो इसका पाक है ना मूँगफली का, वो बहुत अच्छा बनेगा। इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच घी, बस ज़्यादा घी नहीं डलता। 1 चम्मच भगवान का भोग बना रहे हैं ना, हम इसकी सारा घी में ही बनाएंगे आज। इसमें मैं ऐसे दिल को मेल्ट करके डाल दूंगी हाथों से। देखिए तो मैंने करीब 250 ग्राम मूँगफली ली है। 250 ग्राम मूँगफली के लिए मैं करीब 150 ग्राम गुड़ लूँगी। देखिए ये मैंने 150 ग्राम गुड़ ले लिया है और इसको मैं बिना पानी से ही इसकी चाशनी बनाऊंगी, जिससे कि ये हमारा जो पाक है ये बहुत अच्छा बनेगा। ये देखिए मूंगफली की चाशनी हमारी बन गई है बिना पानी की। देखिए देखिए इसकी मैं दिखाती हूँ ट्रिक। देखिए ये चाशनी ऐसे गिरते गिरते ये देखिए रुक जाएगी, इसका मतलब है हमारी चाशनी एकदम बन गई। दिख रहा होगा आपको, देखिए दिख रहा है ना, बहुत गर्म होता है इसलिए मैं इस करके दिखा रही हूँ। ये देखिए ये देखिए, इसको हम गोली अगर बनाते हैं ना, तो ये गोली को हम ऐसे फेंकेंगे ना तो देखिए कट की आवाज़ आएगी। देखिए हम बताते हैं आपको कि मैंने गोली बनाई, ये देखिए आई ना आवाज़, तो इसका मतलब हमारी चाशनी बन गई है। अब हम डाल देंगे इसी में अपनी मूँगफली। देखिए एक मूँगफली मैंने डाल दी है और इसको हम फटाफट फटाफट जमा देंगे। ये देखिए ये मैंने इसको ग्रीस करके रख दिया था, अब मैं इसको इसमें ही अच्छे से जमा दूंगी। देखिए ये बहुत ही जल्दी जमती है, फटाफट जमती है और बहुत ही बढ़िया लगती है। देखिए है ना इजी बिल्कुल तरीका, ना ही हमने इसमें पानी मिलाया है, ना ही हमने इसमें कुछ मिलाया है। ये देखिए हमारा मूँगफली का पाक बन के भी तैयार हो गया। देखिए इसको करीब हम 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे कि ये ठंडा हो जाएगा तो हमारे इसके पीछे अच्छे से कट जाएंगे। देखिए ये देखिए हमारा मूँगफली का पाक भी एकदम रेडी हो गया है, है ना। ये भी इसका भी भोग बन गया है। अब इसके भी मैं थोड़ा सा खिलाने वाले हैं। अब आप समझ गए होंगे मेरा सामान देख के कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही बढ़िया मोतीचूर के नहीं साबूदाने के लड्डू। बहुत ही अच्छे लगते हैं और बहुत ही जल्दी बनते हैं। तो मैं घी डाल दिया है मैंने इसमें 2 चम्मच करीब मैंने घी डाल दिया है। जब तक हमारा घी गर्म हो रहा है तब तक मैं फटाफट साबूदाने को ग्राइंड करके लाती हूँ मिक्सी में, ये आसानी से पीस जाते हैं। ये देखिए मेरे साबूदाने मैंने पीस लिया है। ये देखिए बिल्कुल मिक्सी में एकदम बारीक हो गए, दिख रहे होंगे आपको एकदम। और मैंने शक्कर भी पीस लिया क्योंकि शक्कर को भी पीसना पड़ेगा। और थोड़ा सा मैं नारियल बुरादा लूंगी और मैंने लिए कुछ इलायची, जिनको मैं अभी जब तक हमारे साबूदाने भुनेंगे तब तक मैं इनको भी ग्राइंड कर लूंगी। और इसको बहुत ही धीमी आंच पे और बहुत ही जल्दी जल्दी भूनना पड़ेगा क्योंकि साबूदाने में बहुत स्टार्च होता है ना, तो ये बहुत चिपकता है, इसलिए हम इसको बनाएंगे नॉन स्टिक कढ़ाई में ही बनाएंगे इसको। ये देखिए इसको हम बिल्कुल डार्क, ज्यादा डार्क तो नहीं भुनेंगे लेकिन जब तक खुशबू आएगी तब तक हम इसको करीब 10 से 15 मिनट भून लेंगे। अगर आपको गोंद के लड्डू पसंद है ना तो ये बिल्कुल साबूदाने के जो लड्डू होते हैं ना ये बिल्कुल एकदम गोंद का स्वाद आता है इसमें। देखिए ये काफ़ी चिड़चिड़ करने लगे हैं, इसकी एक पहचान है। अगर ये भुनने लगता है तो ये अपना ऑयल छोड़ देता है, तो मतलब इसने ऑयल नहीं छोड़ा है, घी नहीं छोड़ा है, तो इसका मतलब ये अभी नहीं भुना है। इसको हम थोड़ा सा और भुनेंगे। ये देखिए हमारा साबूदाना काफ़ी अच्छे से भुन गया है, चिड़चिड़ कर रहा है। और ये देखिए घी भी दिख रहा होगा आपको, घी भी इसने छोड़ दिया, इसका मतलब ये हमारा अच्छे से भुन गया है। इसी में डाल दूंगी मैं अपना कोकोनट पाउडर, जिससे कि इसमें स्वाद बहुत अच्छा आता है। और इसी में डाल दूंगी मैं अपने सारे ड्राई फ्रूट्स, ये बहुत बढ़िया लगते हैं इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, मगज है, किशमिश है, बादाम और पिस्ते भी हैं। ये देखिए बादाम और पिस्ते भी इसी में डाल देती हूँ। ये देखिए ये मैंने काट लिए अच्छे से, ये बहुत ही बढ़िया लगते हैं। और अब मैं गैस की फ्लेम को कर दूंगी ऑफ। ये देखिए और इसको मैं नीचे उतार लेती हूँ, ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो अभी मैं इसमें शक्कर नहीं मिलाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा ही ठंडा होगा तभी मैं इसमें शक्कर मिलाऊंगी, लेकिन शक्कर तो इसमें थोड़े से कुनकुने में ही मिलानी पड़ेगी हमको। ये देखिए हमारा साथ थोड़ा सा ठंडा हो गया है, इसमें थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ मिल्क पाउडर करीब 4 चम्मच।
इससे इसका स्वाद बहुत ही यम्मी लगता है, एकदम टेस्टी, एकदम यूनिक रेसिपी है हमारी। ये मेरी मम्मी की रेसिपी है साबूदाने की, क्योंकि उनके बहुत फास्ट होते हैं ना, तो वो बहुत तरह के व्रत रखती हैं, तो इसलिए बहुत तरह के वो व्यंजन भी बनाती हैं। और मैं डाल रही हूँ इसमें 4 चम्मच शक्कर, थोड़ा मैंने मिल्क पाउडर डाला है ना, इसलिए मैं शक्कर इसमें सिर्फ 4 चम्मच डालूंगी जो मैंने पीस के रखी है। आप चाहें तो इसमें भूरा शक्कर भी मिला सकते हैं, जो भूरा आता है ना बाजार में शक्कर वाला, वो भी आप इसमें मिला सकते हैं। अब देखिए ये तो हमारा तैयार हो गया। अब ये तो बहुत ज्यादा ड्राई हो रहा है, तो ये तो नहीं, ऐसे लड्डू नहीं बन पाएंगे ना। ये देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसमें घी मिक्स कर लेंगे, और तब भी नहीं अगर बनते हैं तो थोड़ा सा हम मलाई वाला इसमें दूध डाल लेंगे। ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा घी डाल दिया है, अगर मुझे लड्डू नहीं बनते दिखते हैं तो मैं थोड़ा सा इसमें दूध भी डाल दूंगी 1 चम्मच करीब। मुझे लग रहा है मुझे दूध की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि काफी अच्छे से गर्म में डाल दिया ना, तो शक्कर जो थी हमारी वो पिघल गई है ना। तो अब हम इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, तभी शायद लड्डू बन पाएंगे हमारे, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं तो मैं थोड़ा सा इसमें कोकोनट पाउडर और डाल देती हूँ। ये देखिए थोड़ा सा मैंने कोकोनट पाउडर इसमें और ऐड कर दिया है। ये देखिए अब ये आसानी से हमारे लड्डू बन जाएंगे। अब मैं देखती हूँ हाथ से लगा के, और ये डाल दिया मैंने इसमें इलायची पाउडर। ये देखिए हमारा मिक्सचरण अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसके में थोड़ा सा गर्म ही है, गरम गरम में इसके मैं लड्डू बना लेती हूँ। देखिए साइज तो जो भी आप चाहें वो वाले साइज के बन जाएंगे। ये देखिए ये ऐसे मैं लड्डू बना बना के फटाफट रख लेती हूँ। हमारे साबूदाने के लड्डू भी बन के हो गए हैं रेडी। बनाएंगे सबसे खास चीज सिटोरा। हमारे यहाँ यूपी में इसको सिटोरा बोला जाता है, जब बच्चे होते हैं ना तभी पूरे मेवे का पाक जो बनाया जाता है ना, इसको सिटोरा बोला जाता है। ये देखिए किशमिश, बादाम, काजू, चिरौंजी, पिस्ते, और सबसे खास चीज जो है वो है मगज, खरबूजे के बीज है, और नारियल को मैंने बारीक बारीक काट लिया है, और थोड़े से मखाने और खसखस, ये सब मैं इसको अभी डीप फ्राई करूंगी। तो हम सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे घी, और घी गर्म होने पर हम इसको सबको तलेंगे। सबसे पहले हम तलेंगे बादाम और काजू, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी सब चीजें तो फटाफट आती है। और सबसे लास्ट में हम तलेंगे किशमिश। तो हम इन सारी मेवाओं को फटाफट तल लेते हैं, और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा काटेंगे भी। ये देखिए ना, और मैं डालती हूँ इसमें काजू, क्योंकि किशमिश तो बहुत ही जल्दी भूनती है ना, तो किशमिश को सबसे लास्ट में भूनेंगे हम। एकदम गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं और इसको निकाल। ये देखिए मैंने सारी मेवा भी ऐसे भून लिया अच्छे से, बिल्कुल एकदम डीप फ्राई कर लिए। देखिए काफी अच्छे से भून गई है ना। और ये मेरे काजू और बादाम और पिस्ते भी अच्छे से हो गए, इसको मैं थोड़ा सा काट लूंगी। आप चाहें तो साबुत भी कर सकते हैं, बट इसको थोड़ा सा काट लेंगे तो ज्यादा ईजी हो जाएगा। ये देखिए इसे हम अपने हिसाब से इसके छोटे छोटे से पीस कर सकते हैं। ये देखिए, और बादाम को भी मैं लंबा लंबा ऐसे काट लूंगी। ये देखिए मैं चाशनी बनाने के लिए मैंने इसमें 1 चम्मच घी डाला है, और मैं डाल रही हूँ इसमें 250 ग्राम शक्कर। हमारी जो मेवा है ये भी करीब 400 ग्राम मेवा है, तो इसमें 250 ग्राम शक्कर आराम से आएगी, बल्कि थोड़ी सी ज्यादा आएगी। 300 ग्राम हम शक्कर डालेंगे इसमें, जब ये अच्छे से ही मीठा होगा। ये देखिए है ना, और इसमें मैं डालूंगी सिर्फ 2-3 चम्मच पानी, बस ज्यादा पानी नहीं डालना मुझे, सिर्फ 2 या 3 चम्मच पानी। देखिए बस, और हम इसको एकदम गाढ़ी सी चाशनी बना लेंगे 3 तार वाली, जिससे कि हमारा जो ये है ये अच्छे से जम जाए। ये देखिए पाक के लिए हमारी चाशनी एकदम रेडी हो गई है। देखो आपको दिख रही होगी कितनी गाढ़ी और कितनी अच्छी है। ये काफी गर्म है, अगर इसकी एक पहचान है, इसको जरा सा हाथ में पानी लगाइए, उसको हाथ से करिए, बहुत ज्यादा गर्म है अभी, 2 मिनट बाद में दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इसको मैं एक कटोरी में डालती हूँ, और हम देखते हैं 1 मिनट में अगर ये जम जाती है इसका मतलब ये हो गई है। देखिए ये देखिए कहीं फैल नहीं रही है ना, इसका मतलब हमारी चाशनी बन गई है। देखिए ये देखिए ये इसकी भी गोली अच्छे से बन जाएगी। ये देखिए, ये देखिए दिख रहे हैं आपको ताक, ये देखिए बन गई है। ये देखिए मैं सारी मेवा जो है मैंने काट ली थी, मैं इसी में डाल देती हूँ। ये देखिए मैंने इसमें अच्छे से डाल दी है, और ऑलरेडी इसमें तो ग्रीस लगाई हुआ है, घी लगाई हुआ, क्योंकि हमने सारे ड्राई फ्रूट्स इसी में तल के निकाले थे ना, तो इसलिए। और इसी में मैं डाल दूंगी रोस्ट करे हुए खसखस। देखिए क्योंकि खसखस से ही इसका स्वाद
बहुत ही बढ़िया लगता है ना। ये देखिए इस गैस को कर लीजिए मैं ऑफ और इसको थोड़ा देर हम चलाएंगे। ये देखिए दिख रहा होगा आपको कितना बढ़िया लग रहा है। लग रहा है ना, ये हमारा लड्डू गोपाल का भोग रेडी हो गया। ये देखिए इसको हम अच्छे से जमा देंगे। ये देखिए इसको जमने में सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेंगे बस। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, लग रहा है ना एकदम। इसको आप चाहे तो गुड़ का भी बना सकते हैं, बट मैंने आज गुड़ की मूंगफली वाला पाक बनाया ना, इसलिए मैं इसको शक्कर का बनाया। ये देखिए हमारा पूरा मेवा पाक भी एकदम बन के हो गया है तैयार। ये देखिए हो गया ना। अब हम इसको भी रख देते हैं 5-10 मिनट के लिए, जब तक ये अच्छे से हमारा जम जाएगा। उसके बाद हम इसमें कट लगाएंगे और हम बना रहे हैं अब सबसे लास्ट में मोहन मक्खन। हम बनाएंगे हम बिल्कुल दही से मक्खन, वो भी सिर्फ 2 मिनट वाला है। देखिए ये मेरे घर की दही है, इसको मैंने डाल दिया है देखिए इसमें मिक्सी के जार में। इसमें बहुत ही क्विक और बहुत ही इजी तरीका है। इसमें मैं बर्फ इसके आइस के कुछ क्यूब डाल दूंगी, ये देखिए, और थोड़ा सा डाल दूंगी मैं इसमें ठंडा पानी, और इसको हम ग्राइंडर को चला लेंगे तो बटर जो है वो अपने आप ही ऊपर आ जाएगा बिल्कुल शुद्ध और अच्छा। वैसे तो बटर बनाने के और भी तरीके हैं, बट जो हमारा भोग का बनता है वो इसी तरह बनता है। चलाएंगे बीच में चलाएंगे तो ये अच्छे से बटर हो जाएगा एकदम। और हम देख भी लेंगे बटर बना के नहीं बना एक बार, अभी नहीं बना है, थोड़ा सा हमको और करना पड़ेगा तब बटर अपने आप ही ऊपर आ जाएगा। ये देखिए हमारा माखन भी हो गया तैयार। इसको मैं निकालूंगी हाथों से। देखिए ये देखिए कितना बढ़िया व्हाइट तैयार हुआ एकदम। ये देखिए बनाए ना एकदम बढ़िया। ये देखिए ये माखन मेरा बन गया है। अब मैं अपने हाथ क्लीन करके आती हूँ और इसमें मिश्री मिलाते हैं। और इसमें ये देखिए मिश्री लिए मैंने दाने वाली, इसको हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए ये हमारा माखन मिश्री का भोग भी हो गया है रेडी। ये देखिए घर का माखन कितना बढ़िया लग रहा है, लग रहा है ना एकदम। ये देखिए जो हम लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं ना मोहन भोग, इसी का लगता है। ये भी हमारा रेडी हो गया है। अब हमारी थाली पूरी हो गई रेडी और हम लगाते हैं अब फटाफट भगवान जी का भोग और करते हैं। ये हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए सारा भोग बन चुका है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया रंग की पंजीरी बनाई है मैंने, और सबसे प्रिय मथुरा के पेड़ है। ये देखिए कितने अच्छे और कितने जल्दी से बन गए। और सबसे टेस्टी और सबसे डिलीशियस मैंने बनाया है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया और यूनिक रेसिपी है बिल्कुल एकदम। ये है साबूदाने के लड्डू। ये देखिए कितने डिलीशियस और कितने अच्छे लग रहे हैं, लग रहे हैं ना बहुत ही टेस्टी से। और ये मैंने बनाई है मूंगफली का पाक, और ये सबसे टेस्टी और सबसे जो ज्यादा जरूरी होता है जब बच्चे होते हैं ना तब हम जो बनाते हैं पाक, ये वो वाला पाक है। ये देखिए कितना टेस्टी है सारे ड्राई फ्रूट्स का। ये मैंने शक्कर का बनाया जो कि भगवान जी को बहुत ही प्रिय है, और ये बनाया मैंने पंचामृत, बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी। और सबसे जरूरी और सबसे प्रिय जो है वो है माखन मिश्री। ये देखिए सबसे प्रिय जो है जिसको कि लड्डू गोपाल मटकी में खाते हैं, तो मैंने ऐसे ही बनाया है। तो आप भी भगवान जी का भोग लगाइए, बनाइए, खाइए और खिलाइए। जन्माष्टमी की एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल हम फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, लेकिन उसके पहले आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, अपनी रेसिपीज की फोटो डाल सकते हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल हेमा की रसोई को तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ही है आपको हमेशा की तरह। टेक केयर, बाय बाय।